नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं जामिया 2020 एंट्रेंस एग्ज़ाम एमए हिंदी लिटरेचर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, एमए हिंदी जो जामिया का एंट्रेंस पेपर होता है वो पार्ट टू में डिवाइडेशन होता है। इसका पार्ट ए होता है, पार्ट टू होता है। तो हम पूरे पार्ट ए और पार्ट बी को पूरा सॉल्यूशन करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, आपको पूरी देखनी है। और दोस्तों, इसमें पार्ट ए जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं सारे आपको बताऊंगा, और पार्ट बी में जो आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जामिया में दोस्तों जो हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है दो पार्ट में डिवाइजन होता है, ए और बी। ए में आता है आपका ऑब्जेक्टिव और बी में आपका आता है डिस्क्रिप्टिव। तो दोस्तों, जितने भी ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, जामिया में दोस्तों डिस्क्रिप्टिव भी आता है लिखने के लिए, समझ गए? लिखने के लिए पेपर आता है और ऑब्जेक्टिव भी आता है। बाकी ड्यू और जेएनयू में आपको पता ही है आपका ऑब्जेक्टिव चलता है, पर डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे जामिया में चलता है। तो जामिया का जो पेपर है थोड़ा डिस्क्रिप्टिव होता है, तो आप उसको पूरा देखिए। मैं आपको, अगर आप नए हैं जामिया पे, अगर आप एंट्रेंस देने के लिए 2021 का एंट्रेंस दे रहे हैं, तो दोस्तों ये चैनल आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। दोस्तों, इसके अंदर मैं आपको बताऊँगा डिस्क्रिप्टिव की जो तैयारी करनी है हमें किस प्रकार से करनी है, और कैसे प्रश्न को हमें सॉल्यूशन करना है कि हमें अधिक अंक मिल सकें औरों से। और ऑब्जेक्टिव जो है हमारा बहुत ही कम वेटेज का रहता है, पर डिस्क्रिप्टिव जो है बहुत ही अधिक वेटेज का रहता है। तो हमें किस प्रकार से पेपर का जो लिखना है, कैसे हमें सॉल्यूशन लगाना है, और किस प्रकार से लिखना है कि हमें जो एग्ज़ामिनर है अधिक अंक दे सके, तो मैं सभी आपको इस वीडियो पर बताऊँगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों जेएनयू, बीएचयू, जामिया और ड्यू से आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन आपको हमारे हिंदी साहित्य चैनल के माध्यम से पहले प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बता दी, सारी डिटेल बता दी, दो ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे इसके अंदर हमारा, ए और बी। ए होगा ऑब्जेक्टिव, बी होगा आपका डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव जामिया में होगा, सारा मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा। जो 2020 में जो पेपर आया था जामिया का, पूरा पेपर मैं इसको दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं अपने, फिर हम ऑब्जेक्टिव के प्रश्न करेंगे, फिर हम आप इसके बाद सब्जेक्टिव पे आएंगे, समझ गए? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के ज़्यादा जितने के जितने क्वेश्चन हैं सारे के सारे सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं फिर। दोस्तों, ये आपका जामिया का एंट्रेंस पेपर है, जैसे कि मैं आप सभी को दिखा सकता हूँ। इसके अंदर जामिया एमए हिंदी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020, समझ गए? तो प्रश्न नंबर पहला हम अपना करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, मलिका जो है किस नाटक की पात्र है? मलिका किस नाटक की पात्र है? तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा दोस्तों, क्या हो जाएगा? आषाढ़ का एक दिन, समझ गए दोस्तों? क्या हो जाएगा? आषाढ़ का एक दिन। बढ़ते अगले प्रश्न पर, युग की विधा जो है ये किसकी हैगी? युग की विधा किस विधा की है? आपको विधा बतानी है इसके अंदर, क्या हो जाएगा इसका आंसर? करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, क्या हो जाएगा? काव्य नाटक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन है? आपको करेक्ट आंसर इसके अंदर बताना है, क्या हो जाएगा? निराला, अज्ञ, महादेवी वर्मा या प्रसाद। इसके अंदर करेक्ट आंसर आपको दिया हुआ है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, महादेवी वर्मा करेक्ट आंसर चला जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं क्या है। साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत निबंध कृति संस्कृति के चार अध्याय लेखक कौन है? आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, मैं आप सभी को बता दूं, अज्ञ, निराला, दिनकर या हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आपको इसके अंदर दिया हुआ है, तो आपको देख ही रहे हैं, दिनकर, क्या हो जाएगा? दिनकर। पांचों प्रश्न पे आ जाते हैं। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात है और आप सभी के लिए। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया, डीयू, बीएचयू और एमयू से आने वाली पल पल की अपडेट आपको दोस्तों हिंदी साहित्य के साधन के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी, तो जिसके लिए दोस्तों आपको सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कर लें। पाँचों प्रश्न करते हैं अपना हम, फिर पाँचों प्रश्न है हमारा, देखिए, प्रेमचंद्र की पहली कहानी किस पत्रिका से प्रकाशित हुई थी? आपको इसका आंसर बताना है, क्या आंसर हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा सी,
क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा प्रेमचंद का अपूर्ण अपूर्ण उपन्यास है, कौन सा है दोस्तों? इसके अंदर अपूर्ण उपन्यास, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? मंगल सूत्र। क्या हो जाएगा? मंगल सूत्र। बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। राम का बेटा हीरा है वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा लक्षण। क्या हो जाएगा? लक्षण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हालांकि दोस्तों मैं बता दूं, जामिया में जो हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है आपका, जिसे आप दो पार्ट में डिवाइडेशन करते हैं, ए में और बी में, तो जिनके दोनों जो पेपर होते हैं आपके वहीं पे होते हैं, लिखित होते हैं, कोई कंप्यूटर बेस्ड नहीं होते, डायरेक्ट आपको वहीं पे देने होते हैं पेपर। तो ये ऑफलाइन पेपर होता है आपका, ऑब्जेक्टिव भी और डिस्क्रिप्टिव भी। तो ये आपका जो पीडीएफ है दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्टिव में आ रहा है, वहाँ जाके आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन जरूर करें और इसकी जो पीडीएफ है वहाँ से कलेक्ट कर लें। बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न पर दोस्तों। फिर हमारा अगला प्रश्न है, देखते हैं क्या है। आठवां प्रश्न है हमारा, भारत विभाजन की त्रासदी पर लिखा हुआ उपन्यास कौन सा है? तो हमारा हो जाएगा तमस। क्या हो जाएगा? तमस। नौवां प्रश्न है हमारा, नौवां प्रश्न है दोस्तों हमारा, कौन सा भाव संचारी भाव का नहीं है? संचारी भाव में नहीं है, कौन सा भाव संचारी भाव नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा शोक, ए। दसवां क्वेश्चन देखते हैं फिर। ऑफलाइन पेपर है दोस्तों, इसके अंदर करेक्ट जो है इसके अंदर दिखा आपको दिखेगा, और जो गलत ऑप्शन लगा दिया गया है वो भी इसके अंदर दिखेगा आपको, तो कोई घबराने की बात नहीं है। तो अगला प्रश्न है आपका, हिंदी आलोचना का जनक किसे माना जाता है? हिंदी आलोचना का जनक किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हिंदी की आत्मकथा, हिंदी की जो प्रथम आत्मकथा है आपको बतानी है, कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? आंसर हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक, अर्धकथानक। तो उसके अंदर जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा, सत्य के प्रयोग किसकी आत्मकथा है? सत्य के प्रयोग किसकी आत्मकथा है? तो हमारा जो आंसर चला जाएगा सी पे चला जाएगा, किसकी? गांधी जी की। गांधी इसका ऑप्शन है दोस्तों, इसका ऑप्शन मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इसका मुझे थोड़ा सा डिफिकल्टी लग रही है, आप मुझे अगर आपको पता हो तो इसका आंसर करेक्ट बताएं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पात्र का संपादन किया है? तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें से कोई सा भी प्रश्न आपको गलत लगता है तो उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और सभी दोस्तों को इसका पता लग जाएगा। कुछ कुछ प्रश्न होते हैं कि जो मुझे गलत हो जाते हैं और जो इस वीडियो में गलत बोल दिए जाते हैं, तो आप उनका करेक्ट आंसर भी इस वीडियो में बता सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, सरस्वती पत्रिका दे रखी है, इसका प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1900। बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न पर। 15 प्रश्न है आपका, भारत का प्रथम समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ? किसमें? बंगाल। 16वां प्रश्न दोस्तों हमारा, पंडित किशोरीलाल गोस्वामी किसका संपादन किया है? कौन से पत्र का संपादन किया है आपको इसका बताना है? उपन्यास, उपन्यास या
सरस्वती। तो दोस्तों इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर, समझ रहे हैं दोस्तों? इसका करंट आंसर मुझे बताना है आपको 16वें का। सत्रहवां क्वेश्चन है आपका, साहित्य अकादमी की हिंदी पत्रिका का नाम है, साहित्य अकादमी की हिंदी पत्रिका का नाम है समकालीन भारतीय साहित्य। अगला क्वेश्चन है, जलज का पर्यायवाची क्या है? तो इसके अंदर कमल दिया हुआ है आपको, अगर कोई डिफिकल्टी लगती है इसका गलत ऑप्शन हो गया या सही है गलत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है? किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन। पढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न पर। बीसवां प्रश्न है हमारा, अभिव्यंजनावाद का प्रवर्तक कौन है? कौन है? क्रोचे हैं। तो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा 21 नंबर प्रश्न है, अपभ्रंश का आदि कवि कौन सा है? तो इसके अंदर हो जाएगा स्वयंभू। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 22वां प्रश्न है हमारा, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा है? क्या होगा? वीर रस। क्या हो जाएगा? वीर रस। अगला प्रश्न हमारा 23वां, हिंदी का सबसे प्राचीन छंद कौन सा है? तो दोहा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोहा। 24वां, देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? कितने हैं? 52 वर्ण। क्वेश्चन नंबर 25, गोरखनाथ के गुरु कौन थे? बी, ऑप्शन नंबर बी। 26वां प्रश्न है हमारा, पृथ्वीराज रासो की नायिका कौन थी? संयोगिता। 27वां प्रश्न है हमारा, भक्ति द्रविण उपजी लाए रमानंद किसने कहा था? किसने कहा था? कबीर जी ने। 28वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, शाब्दिक अर्थ बताना है दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा शाब्दिक अर्थ? तो शाब्दिक अर्थ इसमें चार दिए गए हैं, चारों में से एक इसका जो हो जाएगा शूद्र। अगला प्रश्न है, अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक शंकर। अगला प्रश्न है हमारा, सुर ही वात्सल्य है, वात्सल्य ही सुर है, कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रीति काल की समय अवधि बतानी है दोस्तों, इसके अंदर क्या होगी? 1700 से 1900। 32वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, 32वां प्रश्न दोस्तों हमारा, रीति काल में कौन सा काव्य अपनाया गया है? कौन सा प्रबंध? आर्य समाज की स्थापना वर्ष आपको बतानी है दोस्तों, आर्य समाज की कब स्थापना हुई थी? किसमें? 1875 में। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा 34वां, चौंतीसवां प्रश्न हमारा, जपो निरंतर एक जवान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान किसकी पंक्ति है? किसकी पंक्ति? प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न हमारा, पैंतीसवां प्रश्न है, मैथिलीशरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी? किसने दी थी? महात्मा गांधी। दोस्तों कुछ भी इसके अंदर प्रश्न गलत होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
36वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति कौन सी है? कमायनी। सैंतीसवां प्रश्न है, राहु के अनवेशी किसे कहा गया है? तार सप्तक के कवियों को। अड़तीसवां प्रश्न है, कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? कौन सी है? एक पीली श्याम। 49वां प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है? कौन सा है? ध्रुव स्वामिनी। 40वां प्रश्न लास्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों, 40 प्रश्न इसके अंदर दोस्तों हमारे आते हैं जामिया में ऑब्जेक्टिव टाइप के। राष्ट्र नाटक विद्यालय के निर्देशक कौन है? इब्राहिम अलकाजी। समझ गए, यहाँ तक हमने कर लिया ऑब्जेक्टिव। अब इसके बाद हम करते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्या क्या आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं, कितने पर क्वेश्चंस आते हैं और कितने कितने नंबर के आते हैं। तो अगला हम वही देखते हैं क्या है दोस्तों। यहाँ से आपका जो ऑब्जेक्टिव ख़त्म होने के बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर यहाँ से आपका शुरू होता है। किसका? जामिया का। जामिया का यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न ख़त्म होने के बाद डिस्क्रिप्टिव जो आपको लिखना होता है वो पेपर शुरू होता है जामिया 2020। जैसे कि देख सकते हैं एमए हिंदी पार्ट बी। इसके अंदर क्वेश्चन की बात कर लें तो 10 6 6 नंबर के आपके 8 क्वेश्चंस होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 8। 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसके अंदर, पर 8 क्वेश्चन ही इसके अंदर मुझे मिले हैं। तो पहला प्रश्न हम देख लेते हैं क्या रहेगा। छह प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है आदिकाल का नामांकन का प्रकाशित कीजिए। फिर दूसरा है, दूसरा प्रश्न हमें ज्ञानश्री शाखा के प्रवृत्तियों की लिखिए, प्रवृत्तियां हैं जो इसके अंदर जो प्रवृत्तियां आई थी उनको लिखना है। और तीसरा प्रश्न है वात्सल्य के कवि सूरदास को ध्यान में रखकर सूरदास की कविता का मूल्यांकन कीजिए। चौथा प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर क्यों कहा है। पांचवा प्रश्न है रीति शब्द का अर्थ समझाते हुए रीति सिद्ध काव्य की प्रवृत्तियों को उल्लेख कीजिए। छठा, किसी एक कथाकार पर अनुच्छेद लिखिए। सातवां प्रश्न है हमारा अनुप्रास एवं यमक अलंकार का उदाहरण सहित लिखिए। आठवां प्रश्न है लास्ट नाटक और एकांकी में अंतर बताते हुए दो नाटककार और एकांकी को लिखिए। तो 8 के 8 इसके अंदर प्रश्न आते हैं, 6 6 नंबर के आपके हैं। ये एग्जामिनेशन का पेपर था आपका जामिया का। तो मैंने इसके अंदर ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों आपको बता दिया। तो वीडियो को लाइक कर दोस्तों। जामिया की कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको सबसे पहले शेयर करता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल पर आप हमारे जुड़ जाइए। मिलते हैं फिर किसी आने वाली इन्फॉर्मेशन में, अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको देता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।